अच्छा लगता है, बहुत प्यारे लग रहा। अच्छा वो मैं पूछ रहा था कि बाकी लोग वहीं पहुंचेंगे या क्या सिलसिला है, किस तरह आ रहे हैं? ज्यादा लोग हैं नहीं जिनका मैं जानता हूँ, जो है वहीं पहुंचाएंगे। मैं सनीफ का वेट कर रहा हूँ, साथ ही होगा वो। ठीक है तो फिर चले, इफ यू रेडी। जय अंकल।
सहन में एक खजाए सितारी हुई है। गुलशन आरज़ू के सहन में एक खजाए सितारी हुई है। दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। बहुत हसीन लगती थी जितनी कॉलेज में लगती थी वैसे से कहीं ज्यादा। तेरी नजर नहीं है फिल्म को पसंद। सब लोग देख रहे हैं क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हो? यही सोचेंगे कि सिकंदर ने वो पा लिया जिसकी खातिर उसने सारी जिंदगी कमा ली। सलमान ने आज शादी कर ली पहली बार। सर सारा, मैंने एक दो बात तुम्हें बताने की कोशिश की थी। क्या? अबाउट सिकंदर। एक है मैं उससे शादी कर। क्या आपने पढ़ता है? मैं शौक करने लगा। शौक क्यों लगेगा? वैसे भी आपकी जिंदगी आपको पूरा हक है फैसला करने का। हाँ लेकिन वो उम्र का बाप है। आप जानती मैं कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखती। उम्र का चैप्टर अब हो चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अब आपकी जिंदगी में किस रिश्ते से आता है। इट्स फाइन। मैं खुश हूँ। लोग आए मुझे बता देना सही था। तुम बताया क्यों नहीं रहा? तुम्हें खोना नहीं चाहता क्या? ना तुम्हें ना ही सुलभा को। मेरे अंदर अब किसी को खोने का हौसला नहीं है। जो कोई इशू नहीं है आपके और सलमान आंटी की शादी से वो अगर आप नहीं डाल आप समझे नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। रियलाइज हो रही है बहुत सी चीजें। जिंदगी बहुत से सबक सिखा रही है मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता अब अगर आप सलमान आंटी से शादी करें। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में हमेशा से सलमान के लिए रिजेंटमेंट है।
तो शायद मेरे लिए भी। आज मैं तुम्हारे इशू रिजॉल्व कर सकता, तुम्हारे जख्म भर सकते। मरने लगे हैं डैड, बढ़ने लगे जख्म। जब मुझे रियलाइज हो गया कि जख्म लगाए किसने, समा का कोई कसूर नहीं। लेकिन डैड आई नो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मुझे एहसास हो रहा है मेरी अम्मी बहुत सी चीजों में गलत थी, उनके अपने बहुत इश्यूज थे, अपनी रिजेंटमेंट्स थी और वो अपनी रिजेंटमेंट्स मुझे पास ऑन करती रही। She made me hate you. की वजह से ना उन्होंने कभी आपका मेरा वो बॉन्ड नहीं बनने दिया। यही बात मेरा पूरा बचपन खा गया यार। लेकिन मुझे थोड़ी और एफर्ट करनी चाहिए थी ना। सॉरी, आपको कोई कसूर नहीं है। And I don't blame you, कि आपने जो कुछ किया सही किया उस वक्त भी और अभी भी। मुझे रियलाइज हो गया डैड, तो हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, जब वो आपसे छिन जाता है कैसा लगता है? मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया आज। मेरे भी Hey, happy congratulations. You're getting married. Salman is a wonderful woman. जितना मैंने सुना है उनकी बेटी से, really perfect fit. Thank you.
Hi. I hope you're all enjoying yourself. So, let me begin from the obvious. आज मेरी माँ की शादी है और मैंने माँ को मोस्ट ऑफ द टाइम्स माँ कहकर ही पुकारा है. वो प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि बचपन में शायद मुझसे और कुछ कहा नहीं जाता होगा. माँ इज फेयरली अ सिंपल वर्ड टू से, है ना. पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने जाना कि वो सारी चीजें जो एक औरत को माँ बनाती हैं, वो मेरी माँ में एक एक्सट्रीम लेवल पे मौजूद है. यू नो, जैसे दोस्तों के सामने आपको एम्बैरस करना, मेहमान आए तो आपको घूर घूर के देखना, और पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर्स के साथ मिलकर मेरी खिंचाई करना. यू नो, टिपिकल माँ. बट नो, मोहब्बत, इसार, सहारा, दरिया दिली, ये सब चीजें मेरी माँ का दूसरा नाम. लोग अक्सर कहते हैं ना कि माँ छाव होती है और बाप साया होते हैं. मेरी माँ दोनों है, छाव भी, साया भी. गेटिंग टू इमोशनल. बट व्हाट आई वांटेड टू से माँ, इसके आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से, आपके लिए हूं. आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी. एंड आई रियली 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 होप एंड प्रे कि आपको वो सब कुछ मिले जो आपने सारी जिंदगी दूसरों में बांटा है, वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो सहारा आपको हजार गुना होकर वापस मिले. सिकंदर अंकल, यूर वन लकी गाय. पर इस हसीन खातून के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था. सो आज मैं बहुत मोहब्बत से और बहुत फख्र से आपको हमारी छोटी सी फैमिली में वेलकम करती हूँ. I wish you both all the happiness and love in this world. Love you guys. Thank you. Hi. Well, you guys have to bear with me for a while. स्पीच करना और प्रेजेंटेशन देना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं रहा, लेकिन पर्सनल लेवल पे जाके कुछ बातें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे जब आपके सामने बिल्कुल इतनी खूबसूरत ख्वातीन बैठी हुई हों. वैसे आप सब आर्टिस्ट हैं तो आप आर्ट के इस ट्रेडिशन से वाकिफ होंगे. इट्स कॉल्ड किंत्सुगी ट्रेडिशन, जापानीज ट्रेडिशन. एंड व्हाट हैपेंड इज कि जब कोई चीज टूट जाती है तो उसे सोने से जोड़ दिया जाता है, मॉल्टन गोल्ड, ताकि वो चीज पहले से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत हो जाए. और हम इंसान हैं तो हम भी कुछ इसी तरह के होते हैं, चीजों की तरह. कभी टूट जाते हैं, कभी हमारे दिल टूट जाते हैं, कभी हमारे घर टूट जाते हैं, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, और फिर कोई प्यार करने वाला हमारी जिंदगी में आता है मॉल्टन गोल्ड की तरह और हमें जोड़ देता. एक मेरे फादर की लव स्टोरी है जिसे पूरा होने में इतने साल लग गए, काफी साल लग गए वैसे, और एक मेरी भी है जिसे मैं नहीं चाहता कि इतने साल लग जाए. सारा जिस प्यार की, जिस सपोर्ट की और
पलूस की बात तुमने की, वो तुम हो, तुम ही हो जिसने ये बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ दिया। यू आर माई मॉल्टन गोल्ड। That's not fair. हमारी जिंदगी का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? You don't understand me. तुम क्या अपने आप को सबसे ज्यादा अकलमंद समझती हो? खुद ही फैसला कर लिया, मुझसे बात तक नहीं की, ज्यूम कर लिया कि आई वोंट अंडरस्टैंड। वेल आई डू अंडरस्टैंड, आई डू। जब मैंने सलमा आंटी को यहाँ देखा था तो मुझे रियलाइज हो गया था कि तुम मुझे क्यों छोड़ के गई। वन सेकंड, दैट वाज माय चॉइस। ओके, ऑफ कोर्स तुम्हारी चॉइस होगी। तुम्हें इतना शौक जो है कुर्बानी देने का, वो एग्जांपल सेट करनी होगी। मुझे और खुद को कुर्बान कर दिया ना अब तुमने। यू डोंट अंडरस्टैंड, एज आई सेड आई कांट। रो क्यों रहे हो? मेरी माँ ने बहुत टफ लाइफ देखी है और फाइनली उनको एक खुशी मिल रही थी और वो भी उन्होंने मेरी वजह से कुर्बान कर दी है। इट्स अ लॉट। सिकंदर अंकल ने माँ को हमारे मिलने से पहले प्रपोज किया। उनकी शादी हो रही थी और मैं और तुम हम दोनों बीच में आ गए और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? है मैंने उनके खत पढ़े, सारे खत जो सिकंदर अंकल ने सालों पहले माँ को लिखे और वो भी जो माँ ने सिकंदर अंकल को लिखा, पर वो बेचारी कभी दे नहीं पाई उनको। किस रूल बुक में लिखा है कि हर बार माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देंगे? हम उनको बहुत प्यार से हम एक पेडेस्टल पे बैठा देते हैं उनको पूजने के लिए, पर उनको कभी भी उनकी खुशियों का हक नहीं देते। हम मिल तो रही है ना खुशियों में, यही चाहती थी ना तुम कि तुम्हारी वजह से उनकी शादी ना रुके। मिल हो तो रही है अब शादी। You should also move on. You know, Sarah. बहुत गलत किया तुमने, नहीं करना चाहिए था। कहां से लाई हो ऐसा दिल? क्या बोला वहां, अभी क्या बोला मुझे कि मैं और तुम एक हैं? मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है, इसमें है मेरी खुशी? मेरी खुशी तुम सारी जिंदगी मोहब्बत के साथ जियो, उम्र के साथ जियो। मैं आपके लिए आई कांट मेक इट ऑकवर्ड फॉर यू। मैं नहीं चाहती कि कोई आपकी तरफ उंगली उठाए। I can't, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक वक्त था मैं दुनिया की बहुत परवाह किया करता था, अब नहीं करता। तुम भी मत करना, ना अपने लिए ना हमारे लिए। सारा, जिस चीज की हमें मजहब हमारा खुदा इजाजत देता है ना, उसके लिए अगर दुनिया
दुनिया हमें इजाजत ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? और एक बात और, तुमने उसने लेटर में लिखा था कि यू नॉट श्योर अबाउट दिस मैरिज, सारा सच है ये? श्योर अबाउट उमर? जो सफर मैंने काटा है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी काटे। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर, इसे पछतावों के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ गुजारो। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।